चलो दोस्तों, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ AWS इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ क्योंकि हमने वीडियो बहुत सारा अपलोड कर दिया, मैंने सीक्वेंस में अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक। बट एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया, राइट, कि सर आप एक बार इंट्रोडक्शन का भी बेटर से बेटर डाल दो, ठीक है, बाकी तो हमने डाल रखा है। उसने मुझसे कहा कि एक सर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा डाल दो तो पूरा आपका एक सिलेबस रेडी हो जाएगा, तो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उसकी बात एक्सेप्ट करनी पड़ी और सही उसने बोला कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं डाल देता हूँ तो एक सिलेबस आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ही फॉलो करके पूरा सीख सकते हो। तो चलो मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको AWS की नीड समझाता, इंट्रोडक्शन समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि AWS की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन मूव हो रही है AWS की तरफ, क्या रीजंस हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। अब हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास AWS नहीं था कुछ साल पहले, ठीक है, तो आपकी कंपनी फिर क्या कर रही थी। आपकी कंपनी को अगर एक नया प्रोजेक्ट मिलता था तो आपकी कंपनी उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए डेटा सेंटर लगाती थी, ठीक है। तो डेटा सेंटर अगर वो ऑन प्रेमिसेस में लगा रहे हैं, ऑन प्रेमिसेस का मतलब अगर आप अपनी बिल्डिंग के अंदर डेटा सेंटर को लगा रहे हो दोस्तों तो उसको कहा जाता है ऑन प्रेमिसेस, ठीक है। तो कुछ साल पहले जब AWS नहीं था तो आपकी कंपनी ऑन प्रेमिसेस में डेटा सेंटर लगाती थी, ठीक है। तो जब आपकी कंपनी ऑन प्रेमिसेस में डेटा सेंटर लगाती थी तो उसको कौन कौन से रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती थी, तो मैं आपको बताता हूं। उसको यहां पर रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती थी दोस्तों, सबसे पहले तो उसको रेंट में एक बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको नेटवर्क डिवाइस चाहिए, उसके बाद नेटवर्क केबल चाहिए, उसके बाद सर्वर चाहिए उसको, ठीक है, स्टोरेज चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हाई मैन पावर चाहिए, ठीक है, कूलिंग सिस्टम चाहिए उसको, क्लियर, UPS चाहिए। तो बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, राइट। ये सारे रिसोर्सेज जब उसके पास होते थे तब वो डेटा सेंटर लगा पाते थे, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट बंदे की भी जरूरत होती थी कि डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए। उसके बाद आपको मेंटेनेंस भी चाहिए होता था, ठीक है, मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ता था क्योंकि जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हो उसकी एक लाइफ टाइम होती थी कि इतने साल के बाद वो रिप्लेसमेंट करना है। तो आप ऑन प्रेमिसेस में डेटा सेंटर लगाने के बाद आपको ये सारा चीज मैनुअल करना पड़ता था और मेंटेनेंस को लेकर आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता था दोस्तों। प्रोविजनिंग के टाइम पे आपको ये सारी चीजें पहले मार्केट से खरीदनी पड़ती थी, फिर उसके बाद आप सेटअप करते थे। उसके बाद कोई गारंटी भी नहीं है कि आपका डेटा सेंटर बनने के बाद आपका बिजनेस चले भी या ना चले, कोई गारंटी नहीं होती थी, ठीक है। तो इन सारी ड्रॉबैक, इन सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर आए, राइट, AWS आपका एक बेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर है। तो मार्केट में यहां पर क्लाउड प्रोवाइडर आ गए, मैं लिख देता हूं क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। सबसे टॉप में आपका AWS आता है, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट का एजोर आता है दोस्तों, उसके बाद GCP और बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल है। मैं यहां पर पूरे नहीं बता सकता, 75+ आपको क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में मिल जाएंगे। तो अब ये क्लाउड प्रोवाइडर कर क्या रहे हैं, ये क्लाउड प्रोवाइडर अपना डेटा सेंटर के अंदर ये सारे रिसोर्सेस को फिजिकली लगाकर रखें और उसे हमें वर्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, एज अ ऑन डिमांड। हमें वर्चुअली सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ ऑन डिमांड और हमसे कहते हैं कि हम आपसे प्रोविजन के पैसे नहीं मांगेंगे, हम आपसे बिल्डिंग का रेंट नहीं लेंगे, नेटवर्क डिवाइस के पैसे नहीं लेंगे, केबल के पैसे नहीं लेंगे, राइट, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर के पैसे हम आपसे नहीं लेंगे, ठीक है, कूलिंग सिस्टम का पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे हम आपसे नहीं लेंगे, हम आपसे सिर्फ पैसे लेंगे, आप हमारे
रिसोर्सेज को जो प्रोविजन करोगे, जो हम वर्चुअली दे रहे हैं, उसको आप जितने टाइम तक यूज करोगे उसका रेंट हम आप हमें दे देना बस। तो अब बात करता हूं कि यहां पर एक एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है। अब एक्स वाई जेड कंपनी को डेटा सेंटर अगर लगाना है, ठीक है, अगर वो डेटा सेंटर ऑन प्रीमिसेस में लगाते हैं तो उनको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैंने यहां पे लिखा है। बट अगर ये डेटा सेंटर AWS बोले तो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाके लगाते हैं, चाहे AWS हो, चाहे Azure हो, चाहे GCP हो, तो दोस्तों उनको बिल्डिंग रेंट में लेने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क डिवाइसेस खरीदने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क केबल लेने की जरूरत नहीं है, सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, हाई मैन पावर भी रखने की जरूरत नहीं है, कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं है, UPS की भी जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको AWS सिस्टम, AWS इंजीनियर की जरूरत है। सिर्फ ऐसा इंजीनियर जो AWS, जिसको आइडिया हो कि AWS से रिसोर्सेज को कैसे प्रोविजन करके उसको कैसे सेटअप लगाना है, कैसे डेटा सेंटर AWS के ऊपर लगाना, कैसे उनकी बिलिंग सिस्टम को मेंटेन करना है, अपने नीड के हिसाब से कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप रिसोर्सेज AWS दे रहा तो आप सारे ले लो, नहीं, पेमेंट भी तो लेगा ना। तो आपको समझना है कि आपने नीड के हिसाब से कैसे रिसोर्सेज को लेना है, रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर आपसे बोलते हम आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, मैन पावर नहीं, राइट? क्या दे रहे हैं? रिसोर्सेज हम आपको दे रहे हैं, मैन पावर आपके होंगे, आपके इंजीनियर को नॉलेज होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज को आप कैसे प्रोविजन करके यूज करोगे। समझ में आ गई? तो AWS क्या है, मार्केट में सबसे टॉप लेवल का क्लाउड प्रोवाइडर माना जाता है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ठीक है? तो देखो दोस्तों, यहां पे साफ साफ लिखा है व्हाट इज द AWS। तो क्या लिखा है, व्हाट इज Amazon? तो पहले Amazon समझते हैं। Amazon इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एंड प्रोमिनेंट क्लाउड प्रोवाइडर, राइट? ये क्या है, एक ऑनलाइन रिटेलर है बट एक प्रसिद्ध क्लाउड प्रोवाइडर में ये जाने जाते हैं। अगर मैं इस लिंक में क्लिक करूं तो आपको दिखा सकता हूं AWS वालों ने कितना मार्केट कैप्चर करके रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में। ये लिंक ओपन है, तो इधर देखो दोस्तों, कह रहे वर्ल्ड वाइड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मार्केट शेयर, Amazon 33% मार्केट को कैप्चर किया है, माइक्रोसॉफ्ट Azure 13, IBM 8, Google 6, अलीबाबा 4 और अदर 36, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, द कंपनी वॉज ओरिजिनली बुक सेलर बट हैज एक्सपेंड टू सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ द कंज्यूमर एंड गुड एंड डिजिटल मीडिया एज वेल एज ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक किंडल। Amazon की एक बात करें तो Amazon ने अपना करियर स्टार्ट किया था दोस्तों एक बुक को सेल करने से, बट वो लोग अपने नेटवर्क, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते थे तो धीरे धीरे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेल करना स्टार्ट किया, लाइक किंडल जैसे ये, ठीक है? किंडल को सेल किया उन्होंने, पीडीएफ बुक को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, Amazon वेब सर्विस AWS इज अ कंप्रेहेंसिव इवॉल्विंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट AWS ऑफरिंग वेयर द लॉन्च इन 2006 टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विस फॉर वेबसाइट क्लाइंट साइड एप्लीकेशन Amazon इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट EC2 सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी लार्ज ग्रोविंग कलेक्शन ऑफ द वेब सर्विस। तो Amazon 2006 से मार्केट में आया है और यहां पर कुछ सर्विसेज मैंने अभी बोले वो उन्होंने स्टार्टिंग किया था, ठीक है? थोड़ा आगे चलते हैं। AWS वेब सर्विस इज अ सिक्योर क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं प्री रिक्विजिट, इस कोर्स को, AWS कोर्स को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर AWS फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए पहले। फंडामेंटल मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको पता होना चाहिए AWS के आने से मार्केट में क्या बेनिफिट होता है, ठीक है?
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियल। आपको आइडिया होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का ओएस कैसे यूज किया जाता है और लिनक्स का ओएस कैसे यूज किया जाता है। ये कोर्स उन बंदों के लिए नहीं है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना नहीं आता, ठीक है। तो जिनको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना अभी नहीं आता, ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया नहीं है, विंडोज ओएस का आइडिया नहीं है, लिनक्स ओएस का आइडिया नहीं है, तो दोस्तों पहले आप उसकी ट्रेनिंग ले लो, ठीक है। दूसरा, नेटवर्किंग एसेंशियल, आईपी एड्रेस, सबनेट एंड लोड बैलेंसर एक्सेट्रा। जो बंदा AWS पढ़ने जा रहा है, एटलीस्ट उसको नेटवर्किंग फील्ड का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सबनेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मैं यहाँ पर भी एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लोड बैलेंसर का भी नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए एक आईटी इंडस्ट्रीज में लोड बैलेंसर का क्या रोल है, राइट। तो ये बेसिक चीजें उसे क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर काम कर रहे हो, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इसका जॉब क्या है, लोड बैलेंसर का क्या जॉब है, DNS का क्या जॉब है, DHCP का क्या जॉब है, क्लियर। चलो ऐसे ही स्टोरेज फंडामेंटल, आपको स्टोरेज फंडामेंटल का आइडिया होना चाहिए। नेटवर्क स्टोरेज क्या होता है, लोकल स्टोरेज क्या होता है, सैन स्टोरेज क्या होता है, नैश स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा, अपडेट विथ AWS न्यू फ्यूचर। AWS क्या करता है, यहां पे लिखा हुआ है AWS रिलीज 7 to 10 न्यू फीचर्स एवरी वीक। AWS हर वीक 7 से 10 नए फीचर लॉन्च कर देता है मार्केट में दोस्तों। ये चीजें आपको कहां से पता लगेगी, इस लिंक में पता लगेगी। अगर आप इस लिंक पे जाते हो, इस लिंक पे अगर आप जाते हो दोस्तों, तो देखो यहां से आपको पता लगेगी AWS कौन सी सर्विसेज लॉन्च किया, राइट। यहां पे देखो लिखा हुआ है 18 मई को इन्होंने कुछ अपडेट मारे, तो यहां से आप पता कर सकते हो। मैं अभी नहीं जा रहा हूं आगे इस पार्ट पे, ठीक है। अब बात करते हैं AWS सर्टिफिकेशन ट्रैक के बारे में। तो दोस्तों AWS की ये सर्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। इनके बेसिकली 4 ट्रैक हैं, ट्रैक फर्स्ट, ट्रैक सेकंड, ट्रैक थर्ड और ट्रैक फोर। फर्स्ट ट्रैक में आता है AWS सर्टिफाइड फंडामेंटल, ठीक है। AWS सर्टिफाइड फंडामेंटल ये उन बंदों के लिए होता है जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, राइट। नॉन टेक्निकल बोले तो जो बंदा अभी कॉलेज में पढ़ रहा है फोर्थ ईयर में, वो बंदा अगर AWS की तरफ जाना चाहता है तो AWS सर्टिफाइड फंडामेंटल में वो क्लाउड प्रैक्टिशनर वाले कोर्स को करते हैं, राइट। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में आपकी कंपनी में नॉन टेक्निकल पर्सन को भी AWS करने के लिए बोला जा रहा है। अभी नॉन टेक्निकल पर्सन कौन है दोस्तों, फिनांस का बंदा, HR का बंदा, परचेस का बंदा, तो वो लोग क्या करते हैं, क्लाउड प्रैक्टिशनर को करते हैं, ठीक है। बट ये तो बेसिक वाला ट्रैक हो गया, बट अगर कोई बंदा IT फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो ये वाली ट्रैक से स्टार्ट कर सकता है, सेकंड वाली ट्रैक। और सेकंड वाली ट्रैक क्या है, AWS सर्टिफाइड एसोसिएट। कोई बंदा ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल का है, ऑलरेडी IT का एक्सपीरियंस है उसको ऑन प्रेमिसेस का, तो वो अपने आप को AWS में मूव करना चाहता है, तो ये वाली ट्रैक से स्टार्टअप ले सकता है। इस ट्रैक के अंदर 3 सर्टिफिकेशन आते हैं दोस्तों, एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, राइट, एक डेवलपर और एक सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर ये उन बंदों के लिए होता है जो बंदे टेक्निकल काम कर रहे हैं अभी ऑन प्रीमिसेस में, ठीक है, टेक्निकल काम कर रहे हैं, जिनका प्रोफाइल सिस्टम एडमिन का होता है, वो लोग अपने आप को AWS में मूव करना चाहते हैं, तो वो लोग सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ठीक है। दूसरा, डेवलपर, जिस बंदे का प्रोफाइल डेवलपमेंट का है, वो AWS की तरफ मूव करना चाहता है, वो डेवलपर एसोसिएट करता है। तीसरा, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, ये किसके लिए, जो बंदा ऑन प्रीमिसेस में टीम लीडिंग का काम कर रहा है, टीम लीड कर रहा है, राइट, वो क्या करता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट को करता है, ठीक है, क्योंकि अब उसको टीम लीड AWS पे जाके करनी है, तो वहां पर उसको एक बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देना आना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड नंबर का ट्रैक था एसोसिएट। अब कहते हैं कि इस ट्रैक वाला बंदा अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, तो वो बंदा थर्ड वाले ट्रैक की तरफ आ सकता है। थर्ड वाला ट्रैक यहां पर क्या है, AWS सर्टिफाइड प्रोफेशनल। इस ट्रैक में 2 सर्टिफिकेशन है दोस्तों, एक DevOps इंजीनियर और एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। DevOps इंजीनियर किसके लिए है, जो बंदा सोल्यूशन आर्किटेक्ट
सॉरी सोल्यूशन, जो बंदा सेकेंड ट्रैक का डेवलपर एसोसिएट कर रखा है वो बंदा डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ मूव करता है। ऐसे ही जो बंदा सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लेवल का कर रखा है वो डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ मूव कर सकता है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ नहीं जाता है, वो अपना नेक्स्ट लेवल सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल करता है। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट है कि यहां पर क्या है, AEEE सर्टिफाइड स्पेशलिटी। स्पेशलिटी बोले तो बंदा किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहता है, लाइक एडवांस नेटवर्किंग। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी ऑन प्रेमिसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लगा हुआ है तो नेटवर्क के कुछ स्पेशल बंदे बैठे होते हैं, है ना। तो AEEE में भी अगर कोई नेटवर्क पे स्पेशल होना चाहता है, आपका डाटा सेंटर AEEE पे लगा हुआ है, वहां पर आपको स्पेशल नेटवर्किंग देखनी है तो आप एडवांस नेटवर्किंग को कवर करोगे। ऐसे ही बिग डेटा, ऐसी सिक्योरिटी, आप AEEE पे आपने डेटा सेंटर लगाया, वहां पर आपको पता करना है कि सिक्योरिटी कंप्लायंस मैकेनिज्म कैसे यूज करते हैं, तो आप सिक्योरिटी कवर करते हो। ठीक है, ऐसी लास्ट मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग आपका बेसिकली डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर कोई बंदा डेवलपमेंट टूल्स पार्ट फील्ड से है और अपने आपको आगे लेके जाना चाहते हैं AEEE में, तो मशीन लर्निंग कर सकता है। तो दोस्तों ये इनके सर्टिफिकेशन ट्रैक है। अब मैं आपको बता दूं हम कौन सा ट्रैक कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहां पर दो ट्रैक को कवर कर रहे हैं एक साथ, एक सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर और एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। ये दो ट्रैक हम एक साथ कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता दूं सोल्यूशन आर्किटेक्ट में क्या होता है और सिसऑप्स में क्या होता है। दोस्तों सिसऑप्स में हम चीजों को, टेक्निकल चीजों को डेप्थ में बात करते हैं और सोल्यूशन आर्किटेक्ट में हम एक आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम डेप्थ में भी बात करेंगे टेक्निकल चीजों को और एक आर्किटेक्चर सोल्यूशन के हिसाब से भी समझेंगे, तो दोनों हमारे इस कोर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ टॉप बेनिफिट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉप बेनिफिट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही यहाँ पर एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सबसे पहला कॉस्ट, आपका कॉस्ट बच जाता है, राइट। आपको प्रोविजनिंग के पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर सर्वर नेटवर्क डिवाइस शुरू में कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। आप मिनिमम कॉस्ट से भी अपना बिजनेस AEEE पे स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा स्पीड, आपको स्पीड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है, राइट। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप AEEE में विद इन द मिनट अपना पूरा का पूरा डेटा सेंटर सेटअप कर सकते हो। तीसरा ग्लोबल स्केल, आपको ग्लोबल लेवल पे स्केल अप स्केल डाउन करने में भी इशू नहीं आएगा, राइट। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना डेटा सेंटर मूव करने में भी आपको इशू नहीं आएगा। प्रोडक्टिविटी, राइट, प्रोडक्टिविटी बेस्ड कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया है AEEE के आने से, क्योंकि वो लोग अपने प्रोडक्ट की तरफ, उनका प्रोडक्ट की तरफ वो फोकस करते हैं, ना ही IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लाइक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का दोस्तों गोल होता है, एक मोटर्स की तरफ गोल होता है उनका, अच्छा से अच्छा कार बनाएं और मार्केट में सेल करें, ना कि एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाए। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया। परफॉर्मेंस में भी आपको बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि डे बाई डे AEEE अपनी सर्विसेज को इंक्रीज करते जा रहा और बेटर से बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिक्स रिलायबिलिटी, आपको रिलायबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है, आपका डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि AEEE उनकी मिररिंग करके रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लाउड सर्विस मॉडल। तो कितनी टाइप के क्लाउड सर्विस मॉडल्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो दोस्तों तीन टाइप के क्लाउड सर्विस मॉडल है, एक IaaS, एक PaaS और एक SaaS। IaaS का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक XYZ कंपनी है, ये AEEE के पास जाती है और AEEE से बोलती है कि आप हमें सिर्फ हार्डवेयर दे दो, राइट, क्या दे दो, आप हमें एक हार्डवेयर दे दो। ठीक है, हमें हार्डवेयर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास अपना VMware खुद का लाइसेंस है, OS हमारे पास खुद का है और एप्लीकेशन हमारे पास खुद का है। तो XYZ कंपनी AEEE से हार्डवेयर ले ली, अपना VMware डाल दिया, OS डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया, राइट। तो यहां पर XYZ कंपनी ने AEEE से IaaS की सर्विस ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, ऐसी बात करते हैं
पैस के बारे में। पैस बोले तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब पैस का मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। एक्सपेक्टेड कंपनी AWS से क्या बोलती है कि आप हार्डवेयर के साथ हमें VMware भी दे दो और उसके बाद OS भी आप डाल के दे दो, ठीक है, हम सिर्फ अपना एप्लीकेशन वहां पर इंस्टॉल करके यूज करेंगे। तो इसको कहा जाता है पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक्सपेक्टेड कंपनी ने AWS से एक ऐसा एनवायरमेंट लिया प्लेटफॉर्म रेडी, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट SaaS, SaaS बोले तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड नाम की कंपनी क्या बोलती है AWS से कि आप हमें हार्डवेयर भी दो, ठीक है, VMware भी आप डालोगे, OS भी आप डालोगे और हमारी ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी आपके ही इंस्टॉल करोगे, हम सिर्फ एक यूजर की तरह यूज करेंगे, राइट। तो इसका एग्जांपल मैं बताऊं, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, राइट, ये सारी चीजें हैं, क्या है आपका SaaS का एग्जांपल है, ठीक है। थोड़ा सा और ब्रीफ में अगर इसको समझना है तो ये देखो टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस, AWS, PaaS और SaaS। तो दोस्तों यहां पर देखो, आप अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए डेटा सेंटर लगाते हो, राइट। तो यहां पर अगर मैं ऑन प्रीमिसेस में अपनी एप्लीकेशन चलाने जाता हूं तो दोस्तों मुझे यहां से स्टार्टअप लेना पड़ता है, मुझे नेटवर्किंग खुद करनी पड़ेगी, स्टोरेज खुद करना पड़ेगा, सर्वर खुद करना पड़ेगा, वर्चुअलाइजेशन भी खुद ही करूंगा, OS भी खुद ही करूंगा, मिडलवेयर भी खुद इंस्टॉल करूंगा, रन टाइम भी खुद करूंगा, डेटा भी खुद मैनेजमेंट करूंगा, देन मेरी एप्लीकेशन चलती है। अगर आप ऑन प्रेमिस में अपनी एप्लीकेशन रन करने के बारे में सोचते हो तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बट अगर आप अपनी एप्लीकेशन को AWS में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस को यूज करके चलाना चाहते हो तो आपको नेटवर्किंग नहीं करना, स्टोरेज नहीं करना, सर्वर नहीं करना, वर्चुअलाइजेशन भी नहीं करना, AWS ये खुद कर रहा है, क्लियर, आपको ये सारी चीजें करनी है। और अगर आप पैस की तरफ जाते हो तो आपको ये इतना नहीं करना, आपको दो चीज करना है, एप्लीकेशन और डेटा मैनेजमेंट। और अगर आप SaaS की तरफ जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यूज करना है, क्लियर। आगे चल के और इसके प्रैक्टिकल आएंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितने टाइप्स के क्लाउड डिप्लॉयमेंट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो तीन टाइप के क्लाउड डिप्लॉयमेंट होते हैं, एक पब्लिक क्लाउड, एक प्राइवेट क्लाउड और एक हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक कंपनी है और ये कंपनी का नाम मैं लिख देता हूं विप्रो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये विप्रो नाम की कंपनी, चलो मान लेते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड है और यहां बैठे हुए हैं क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर बोले तो AWS बैठा हुआ है, दूसरा एजोर, तीसरा क्लाउड प्रोवाइडर GCP। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, और ये सब कनेक्टेड है इंटरनेट से, क्लियर। अब क्या हुआ, देखो विप्रो कंपनी को USA में क्लाइंट बैठा हुआ है, वहां से एक प्रोजेक्ट मिल गया और प्रोजेक्ट में यह था, USA का एक क्लाइंट है, वो विप्रो को कहता है कि हमारा एक एप्लीकेशन है, राइट, वो आपको रन करके देना है, मतलब चलाकर देना है, ठीक है। उसने बता दिया कि आपको ऐसा इंटरनेट से एक्सेस जब कोई कस्टमर करेगा तो इस URL पे करेगा, USAcompany.com, ठीक है, आपको यह वेबसाइट चलानी है 24/7, विप्रो को बोला गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड US की कंपनी ने कुछ टर्म्स कंडीशन विप्रो को बताया, राइट, कि जब भी हमारे कस्टमर इस लिंक URL की तरफ आएंगे तो उनको लेटेंसी लो होना चाहिए, राइट, कस्टमर का आने वाला डेटा हैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर को डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, ऐसे टर्म्स कंडीशन विप्रो को बोल दिया गया, राइट। अगर आप एग्री हो, ये सारा फॉलो कर सकते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट में 10 करोड़ रुपए आपको पर ईयर पे करेंगे, ऐसा US-based कंपनी ने बोला। US-based कंपनी बोलती है
हम नहीं जानते इसके लिए आप क्या करोगे, डेटा सेंटर कहाँ लगाओगे, कैसे करोगे, हमें ये चीज़ नहीं मालूम। हमें सिर्फ शर्त इतनी है कि 24/7 हमारी ये URL एप्लीकेशन चलनी चाहिए, आपको इतना पे करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब विप्रो ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, तो अब क्या होता है, अब विप्रो क्या करेगा, उसके लिए हार्डवेयर सेटअप लगाएगा, डेटा सेंटर लगाएगा। ठीक है, अगर विप्रो उस क्लाइंट के लिए डेटा सेंटर अपनी बिल्डिंग के अंदर लगाता है या फिर क्लाइंट की बिल्डिंग के अंदर लगाता है, ठीक है, तो विप्रो को क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। विप्रो क्या करेगा, हार्डवेयर खरीदेगा, रैक खरीदेगा, स्विच खरीदेगा, राउटर खरीदेगा, एक्सपर्ट बंदे हायर करेगा सब कुछ करने के लिए। ठीक है, इन हार्डवेयर के ऊपर ओपन स्टैक डालेगा या VMware डालेगा वर्चुअलाइजेशन के लिए, और फिर उसके बाद सब कुछ रेडी करने के बाद 2-4-6 महीने में जाकर वो डेटा सेंटर खड़ा कर दिया। फिर क्लाइंट को बोलता है अब हम आपका लिए सेटअप रेडी कर दिए, स्टार्ट हो गया, राइट। लेकिन विप्रो ने इन काम को करने के लिए अभी अपने पैसे वेस्ट करके सारे रिसोर्सेस उसने मार्केट से खरीदे होंगे, ठीक है, और मान लेते हैं विप्रो इन सारे रिसोर्सेस को खरीदने के लिए उसने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए। क्लियर। 2 करोड़ रुपए विप्रो ने फर्स्ट ईयर क्लाइंट के डेटा सेंटर में लगा दिया, राइट, और क्लाइंट क्या करता है उनको 10 करोड़ रुपए देता है, तो विप्रो को फर्स्ट ईयर 8 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट वाली चीजें समझना। अब ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद क्लाइंट ने विप्रो के साथ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्रेडिट कर लिया। क्लाइंट कहता है कि विप्रो ने हमारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया, राइट, कुछ भी हो सकता है, डेटा हैक हो गया, XYZ यूजर को लेटेंसी हाई पड़ गई हो, तो इसकी वजह से क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रेडिट करता है विप्रो के साथ। तो यहां पर लॉस किसका हुआ दोस्तों, विप्रो का हुआ, क्योंकि विप्रो ने क्लाइंट के लिए कितने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक बिग पेन था विप्रो कंपनी के लिए। ठीक है, तो अब विप्रो जैसी कंपनियों को इशू आना बंद हो गया है, IT सर्विस बेस्ड कंपनी को इशू आना बंद हो गया, क्योंकि अब इनको प्रोजेक्ट मिलता है तो ये उनके लिए डेटा सेंटर अपनी बिल्डिंग पे नहीं लगाते, रिसोर्सेस खुद प्रोविजन नहीं करते, राइट, ये क्या करते हैं, AWS पे जाते हैं और वहां से रिसोर्सेस लेते हैं, राइट, वहां पे सारे के सारे सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर स्विच राउटर AWS से लेते हैं और यहां पर सेटअप करते हैं। ठीक है, और यहां पर उनकी एप्लीकेशन चलाते हैं। तो AWS कहता है हम आपके प्रोविजनिंग के पैसे नहीं मांगते, जितने आवर्स आप चलाओगे उतने आवर्स के आप पैसे दे देना। तो अगर 6 महीने के बाद क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कनेक्ट भी कर लेना, विप्रो का कुछ नहीं जाता। ठीक है, विप्रो का यहाँ पर कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि विप्रो क्या करेगा, 6 महीने के बाद AWS से भी सर्विसेज को डिलीट कर देगा। ठीक है, 6 महीने का जो भी पेमेंट बना था क्लाइंट ने तो दिया ही होगा। क्लियर। तो अगर आप अपना डाटा सेंटर दोस्तों ऑन प्रेमिसेस में लगाते हो तो उसको कहा जाता है प्राइवेट क्लाउड। क्लियर, प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है। और अगर आप अपना डेटा सेंटर AWS पे लगाते हो तो उसको कहा जाता है सर पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, राइट, क्या कहा जाता है, पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अगर आप ऑन प्रेमिसेस में लगाते हो तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट बोला जाता है, और अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर के घर पे लगाते हो तो पब्लिक क्लाउड। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आज के डेट में बहुत लोगों को ना एक चीज कंफ्यूजन है कि अपने घर में लगा लिए तो प्राइवेट क्लाउड बोल देते हैं, AWS पे लगा लिए तो पब्लिक क्लाउड बोल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं क्लाउड की डेफिनेशन बताऊँ तो किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं ना, उसको कहा जाता है क्लाउड। आप ये चीज़ 20 साल पहले से कर रहे हो, आप 20 साल पहले से अपने डेटा सेंटर को रिमोट में बैठ के काम कर रहे हो, दैट इज़ अ क्लाउड। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट का मतलब समझाता हूँ दोस्तों। इसको प्राइवेट क्लाउड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपकी प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर है, वो आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पब्लिक क्लाउड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपके घर पे नहीं है, किसी दूसरे के घर पे लगा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पर? ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट के बारे में, क्या होता है। अब ये US बेस्ड की कंपनी जो थी, ये विप्रो को कहती है
कि आप हमारे 50 सर्वर हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे डेटाबेस वाले हैं, और 50 सर्वर आप ऑन प्रेमिसेस में लगाना, और हमारे पास 450 ऐसे सर्वर हैं राइट जो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो अब विप्रो कंपनी के पास एक बिग चैलेंजेस आ गया राइट, क्या करें। तो विप्रो कंपनी क्या करती है, 50 सर्वर के लिए ऑन प्रेमिसेस में डेटा सेंटर लगाती है राइट, जो यहाँ पर डाटाबेस है, और 450 सर्वर के लिए AWS पे लगाती है। लाइक वेब, आपके वेब AWS पे रखे हुए, डाटाबेस यहाँ रखे हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन एक यहाँ पे निकल के आता है, कस्टमर पहले वेब पे आएंगे राइट, अब वेब पे आने के बाद जब वो डेटाबेस ढूंढेंगे तो डेटाबेस तो ऑन प्रीमिसेस में रखा हुआ है, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे बनाएं। तो क्लाउड प्रोवाइडर आपको सर्विसेज देते हैं, आप ये कनेक्टिविटी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ VPN। ये सर्विस आपको कौन देते हैं दोस्तों, क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप विद द हेल्प ऑफ VPN, ठीक है, आप VPN के थ्रू ये कनेक्टिविटी बना सकते हो, क्लियर। हाँ, VPN के थ्रू आप बनाते हो तो बीच में आपका इंटरनेट आता है यहां पर, ठीक है। बट कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बैंकिंग सेक्टर की हो गई, डिफेंस की हो गई, टेलीकॉम की हो गई, वो कहते हैं हम VPN सर्विस को यूज करके अपना ऑन प्रेमिसेस को AWS से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बीच में इंटरनेट आ गया, अगर कोई हैक कर लिया यहां से तो अब क्या होगा। तो एक ये क्लाउड प्रोवाइडर ने इसका भी सलूशन दिया, इसका सलूशन ये है कि क्लाउड प्रोवाइडर आपसे बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक DC की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। DC बोले तो डायरेक्ट कनेक्शन, क्या दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं DC बोले तो डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट कनेक्शन की सर्विस आपको देते हैं फाइबर। AWS आपसे बोलते हैं कि आप अपना ऑन प्रेमिसेस का एरिया बताओ, हम फाइबर केबल डाल देंगे 1-to-1, बीच में इंटरनेट नहीं आएगा, और उसके थ्रू ऑन प्रेमिसेस को AWS से कनेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तब जाकर टेलीकॉम, डिफेंस और बैंकिंग जैसे सेक्टर कंपनी एग्री होती है AWS के साथ काम करने के लिए, ठीक है। और अगर आप DC सर्विस को यूज करते हो तो दोस्तों आपको यहां पर स्पीड 10 Gbps तक मिलेगी, कितनी मिल सकती है, अप टू 10 Gbps तक की आपको स्पीड मिलेगी राइट। और ये कनेक्शन आप रिलायंस जियो से भी करवा सकते हो, एयरटेल से भी करा सकते हो, वोडाफोन से, ये सारे के सारे AWS के क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए पिक्चर में तो आपका डाटा सेंटर कुछ प्राइवेट पे है, कुछ पब्लिक पे है, दोनों को मिलकर आपका सेटअप बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट इसी को कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये वही सारी चीजें लिखी हुई है, देखो प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। अब बात करता हूं आर डाटा सेंटर इन अ कंटेनर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डाटा सेंटर इन अ कंटेनर कॉन्सेप्ट, इसको समझाता हूं, थोड़ा इंटरनेट पे लेके चलता हूं आपको। तो AWS डाटा सेंटर कंटेनर, क्लियर। देखो दोस्तों जब आपकी कंपनी में डेटा सेंटर अगर बनते हैं तो आप लोग क्या यूज करते हो, आपके डेटा सेंटर के अंदर ये रैक्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर रैक्स होते हैं। बट AWS ने थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म यूज किया, उन्होंने ये रैक्स यूज नहीं किए, उन्होंने ये कंटेनर को यूज किया है, ठीक है। इन कंटेनर के अंदर रैक उन्होंने रखा है और रैक के अंदर सर्वर। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कंटेनर को US में डिजाइन करते हैं, कंटेनर के अंदर क्या होता है, रैक्स होते हैं, रैक के अंदर सर्वर होता है राइट, और ये रैक सर्वर कंटेनर के अंदर होते हैं, पूरा बाइंड होता है, और US से SIP के थ्रू कंटेनर को लाया जाता है राइट, और लोकेशन में रखकर इंस्टॉलमेंट कर दिया जाता है, मल्टीपल कंटेनर रखकर उसको एक दूसरे कंटेनर से कनेक्ट करके उनका डेटा सेंटर खड़ा हो जाता है राइट। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको अपना डेटा सेंटर मूव करने में इशू ना हो, ठीक है। ये कंटेनर आपको एक बिल्डिंग के बराबर है, आपको पिक्चर में छोटा नजर आ रहा, मैं आपको दिखाता हूं, ये लोग इधर कंटेनर के अंदर भी ये लोग चले जाते हैं। उसी के बाद आपको थोड़ा सा लेके जाऊं यहां पर, तो देखो ये लोग SIP के थ्रू कंटेनर, पूरा का पूरा SIP के थ्रू कंटेनर लेके आते हैं,
ठीक है, ये देखो इस तरीके से। चलो अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अगला पॉइंट यहां पर क्या है, अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग द AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे सर दो मिनट में कि सर हमारे बैंगलोर में एक डेटा सेंटर लगा हुआ है, एक मुंबई में, एक चेन्नई में, उसको ऐसे कनेक्ट किया, आप दो मिनट में समझा दोगे। ऐसे ही आप AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझो। ठीक है, तो चलो मैं आगे चलता हूँ। इसको समझने के लिए मुझे MS पैंड का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों AWS क्या करता है पता है, अगर उसे किसी भी लोकेशन पे, जियो लोकेशन में अगर एक रीजन लगाना है, एक सेटअप लगाना है, तो लोग कैसे स्टार्टअप करते हैं समझते हैं। ऐसा समझो कि AWS ने प्लान बनाया कि दिल्ली लोकेशन पे वो अपना एक सेटअप लगाएगा, तो कैसे लगाएंगे समझो। ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली लोकेशन पे पहले तो एरिया ढूंढेंगे, दो एरिया लाइक डिफरेंट एरिया, लाइक आप ऐसे समझ सकते हो यमुना नदी का इस तरफ, लाइक लक्ष्मी नगर का एक एरिया हो गया, यमुना नदी के उस तरफ कनॉट प्लेस एक एरिया हो गया। तो उन्होंने यमुना नदी के इस तरफ वाला एक एरिया चुना। ठीक है, उस एरिया में वो लोग ने निर्माण विहार पे आए और एक डेटा सेंटर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद निर्माण विहार के 10 किलोमीटर के दूर पे जाकर एक और लगा दिया, लाइक आप बोल लो गाजियाबाद। ठीक है, उसके बाद डेटा सेंटर 1 को 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरा समझ लो 1 है और ये मेरा 2 है। ठीक है, अभी इन्होंने स्टार्टअप नहीं किया, अब क्या करेंगे, 1 और 2 को एक ग्रुप में डालेंगे और ये बोलेंगे हमारा जोन 1 है, ये जोन 1 हो गया। ठीक है, अभी इन्होंने स्टार्टअप नहीं किया। ऐसे ही अब क्या करेंगे, दूसरे एरिया पे जाएंगे, बोले तो दूसरा एरिया इनका राजीव चौक, और राजीव चौक पे एक डेटा सेंटर लगाया। ठीक है, उसके बाद राजीव चौक के 10 किलोमीटर दूर इन्होंने थोड़ा और आगे चले गए फरीदाबाद। ठीक है, ऐसे समझ लो, और यहाँ पर एक दूसरा लगा दिया, क्या लगा दिया, दूसरा डेटा सेंटर लगा दिया। उसके बाद इस 1 डेटा सेंटर को इसके साथ कनेक्ट किया, इसको भी इन्होंने एक ग्रुप में डाला और उन्होंने बोला ये हमारा जोन 2 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जोन 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया, अभी भी इनका सेटअप स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये क्या करेंगे, दोनों जोन को एक ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं ये AWS का रीजन 1 है जो इंडिया के अंदर दिल्ली लोकेशन पे सेटअप है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास टोटल 16 रीजन्स आज के डेट में अवेलेबल है। कितने, 16 रीजन्स अभी अवेलेबल है। अब दोस्तों उन्होंने ऐसी प्लानिंग क्यों की मैं आपको बताता हूं। जब आप AWS पे जाकर कोई सर्विसेज सेलेक्ट करोगे ना, तो AWS आपसे बोलता है कि आप अपने नियरेस्ट एरिया पे जाकर लॉन्च करो, आप फायदे में रहोगे क्योंकि आपका लेटेंसी लो पड़ेगी। तो अगर मैं आज लक्ष्मी नगर में बैठा हूं तो मेरा नियरेस्ट एरिया क्या है, दिल्ली पड़ेगा, राइट। ठीक है, मुंबई नहीं पड़ेगा, मुंबई वाला दूर पड़ेगा मुझे। तो उसके बाद जैसे आपने दिल्ली लोकेशन सेलेक्ट करोगे ना, उसके बाद आपसे बोलेगा कि दिल्ली लोकेशन के अंदर 2 जोन है, जोन 1 और जोन 2। आपसे पूछेगा जोन 1 पे लॉन्च करना है या जोन 2 पे। क्लियर। चलो, तो आप कोई भी सर्विस लॉन्च करने जाओगे ना, तो आपने जैसे दिल्ली रीजन सेलेक्ट किया, तो आपसे बोलेगा जोन 1 में करना है जोन 2 में। आपने जोन 1 सेलेक्ट किया तो वो सर्विस जोन 1 के किसी भी डेटा सेंटर में चला जाएगा, अब डेटा सेंटर का सिलेक्शन आपको नहीं मिलता। ठीक है, राइट्स नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे प्लानिंग डिजाइनिंग इसलिए किया है कि मान लो अगर जोन 1 के A1 नंबर डेटा सेंटर में आपकी सर्विस चल रही है, और कल को अगर 1 नंबर का डेटा सेंटर में नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो वो आपको ना 2 नंबर के डेटा सेंटर से डेटा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये प्लानिंग है उनकी। और अगर कोई कहता है कि जोन 1 के दोनों डेटा सेंटर चले गए तो फिर क्या होगा, तो वो आपको जोन 2 से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई बोलता है जोन 1 और जोन 2 दोनों चले गए, पूरा रीजन चला गया, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। AWS का एक सेंट्रलाइज रीजन US के अंदर बना हुआ है। ठीक है,
उस रीजन, हर एक रीजन की रेप्लिकेशन हो, इससे इसके साथ करते हैं यूएस के सेंट्रलाइज। तो अगर रीजन भी करप्ट हो जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूएस का सेंट्रलाइज रीजन से डेटा मिल जाएगा। हाँ, अगर पूरा कंट्री खत्म हो गया तो कोई चांसेस नहीं है, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ 18 है 16। ठीक है, चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में देखो क्या है, AWS की जो सर्विसेज है ना दोस्तों, वो सारे रीजन में ना इक्वली नहीं है। कुछ रीजन में आपको मिलेगी, कुछ रीजन में आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि कोई कंट्री में अगर नया रीजन लगा है तो वहां पर सारी सर्विस एक बार में तो नहीं दे देंगे वो, है ना, टाइम लगेगा। तो ये चीज आपको पता कैसे लगेगी कि हमारे लिए बेस्ट रीजन क्या है दोस्तों, आपको यहां से जाके पता लगेगी, इस लिंक पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा है अमेरिका के अंदर नॉर्दर्न वर्जीनिया में ये एक सर्विस है एलेक्सा अवेलेबल है और बाकी कहीं नहीं है। ऐसे एशिया पैसिफिक में आओगे तो कहीं पे भी नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, राइट, एशिया के अंदर सिर्फ मुंबई में है हमारे पास, इटली पे नहीं है, वो तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा था। ठीक है, ये एक सर्विस है, देखो मुंबई पे है, ओसाका पे नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई, चलो आगे। ऐसे ही रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन नेमिंग कन्वेंशन, इन्होंने रीजन्स के नाम और कोड रखे हैं, तो ये रीजन्स के नेम है, ये उनके कोड है। अब इंटरव्यू में पूछते हैं कि नेम और कोड की जरूरत कब पड़ती है, तो दोस्तों नेम की जरूरत आपको तब पड़ती है जब AWS को आप वेब कंसोल से मैनेज करते हैं। अगर आप AWS को कमांड लाइन से मैनेज करोगे तो आपको कोड की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ टू चूज द राइट रीजन, एक राइट रीजन कैसे चूज किया जाएगा, तो एक राइट रीजन चूज करने के लिए 5 फैक्टर है यहां पर। एक फैक्टर नंबर फर्स्ट, प्राइसिंग, AWS की सर्विसेज की प्राइसिंग भी रीजन टू रीजन वेरी करती है। ठीक है, आप अगर सस्ती प्राइस की सर्विस चाहते हो तो आप पहले जाके वेरीफाई कर लो, चेक कर लो कौन से रीजन में प्राइसिंग कम है। दूसरा, यूजर कस्टमर लोकेशन, कस्टमर के लोकेशन को देखकर हम एक रीजन का सिलेक्शन करेंगे, हमारे कस्टमर के लिए जो रीजन पास पड़ेगा वहां पर हम डेटा सेंटर लगाएंगे। ऐसी थर्ड, लेटेंसी, फोर्थ, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, एंड फिफ्थ, सर्विस अवेलेबिलिटी। तो कोई भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे हाउ टू चूज राइट रीजन, तो ये 5 फैक्टर आप बता सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू साइन अप अकाउंट, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है AWS के ऊपर, हम अकाउंट को कैसे साइन अप करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट को साइन अप करना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, अभी मैं इंट्रोडक्शन था यहीं पे ओवर करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा AWS पे अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। चलो दोस्तों, बाय बाय।